मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का बुधवार को पहला दिन रहा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कांग्रेस विधायक हंगामा करने लगे, जिसके बाद चलते विधानसभा की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यपाल ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश को भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। वहीं चित्रकूट और ओरछा में राम वन गमन पथ के लिए मेरी सरकार ने प्रतिबद्ध होकर काम शुरू कर दिया है। तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपने अभिभाषण के दौरान प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। जहां जहां मध्य प्रदेश में श्री राम और श्री कृष्ण के कदम पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। 724 किलोमीटर लंबी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है। वहीं केन बेतवा पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना प्रदेश विकास में मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतरिम बजट पेश करेंगे और अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव के चलते सरकार अंतरिम बजट ला रही है। वहीं जुलाई में मानसून सत्र के दौरान पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष श्री एवं माननीय सदस्यगण, सभी को नमस्कार। सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। 16वीं विधानसभा के वर्तमान सत्र में सदन को संबोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। हम सभी सौभाग्यशाली है कि आजादी के अमृत काल में भारतीय स्वतंत्र एवं भारतीय गणतंत्र दोनों के अमृत महोत्सव का साक्षी बनने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मैं देश के स्वाधीनता और संप्रभुता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले क्रांतिकारियों, महापुरुषों और जन नायकों को सत सत प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा की समृद्ध परंपरा और सशक्त कार्य प्रणाली ने संसदीय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाया है। यदि भारत लोकतंत्र की माता है तो यह सदन लोकतंत्र का मंदिर है। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य समारोह ने भारत ही नहीं पूरे विश्व को श्रद्धा भक्ति और आस्था के सराबोर कर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राम राज्य की परिकल्पना और विकसित भारत की संकल्पना दोनों को साकार होते देखता निश्चय एक ही अद्भुत अभूतपूर्व अविस्मरणीय अनुभव है।